आजकल तो 1000 रुपए वाली लंबी गुलाबी नोट बाजार में बहुत कम नजर आती है। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये भी गुलाबी नोटें दिखाई नहीं दे रही होंगी बहुत दिनों से। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट्स के अनुसार 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आई है। इस साल मार्च के अंत तक कुल करेंसी नोटों की तुलना में 2000 करेंसी नोट का 1.6% सर्कुलेशन हुआ है। इस साल मार्च तक सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की कुल संख्या 13,053 करोड़ थी, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 12,437 करोड़ थी। डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी और 2000 रुपए के नोट का कम इस्तेमाल इसका मुख्य कारण है। मार्च 2020 के अंत तक 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों के सर्कुलेशन की संख्या 274 करोड़ थी, जो प्रचलन में कुल करेंसी नोटों की संख्या का 2.4% था। मार्च 2021 तक कुल बैंक नोटों की संख्या 245 करोड़ या यूं कहें कि 2% तक गिर गई। वहीं पिछले वित्त वर्ष के अंत तक यह 214 करोड़ या 1.6% तक गिर गई थी। 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट प्रचलन में मुद्रा नोटों के कुल मूल्य के 22.6% से मार्च 2021 के अंत में 17.3% से घटकर मार्च 2022 के अंत में 13.8% हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल मार्च के अंत में प्रचलन में 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बढ़कर 4,55,468 करोड़ हो गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में या 3,08,67.90 करोड़ थी। आरबीआई ने शुक्रवार को 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि सबसे ज़्यादा 500 रुपए की नोट मूल्य वर्ग की 34.9% हिस्सेदारी थी। इसके बाद 10 रुपए मूल वर्ग के बैंक नोट थे, जो 31 मार्च 2022 तक प्रचलन में कुल बैंक नोटों का 21.3% था। जी हाँ, आपको बता दें करेंसी इन सर्कुलेशन CIC में बैंक नोटों और सिक्के शामिल हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के मूल वर्ग में बैंक नोट जारी करता है। सिक्कों में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल वर्ग के सिक्के प्रचलन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।